निर्वाचन आयोग ने बीते शनिवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा, 14 फरवरी को दूसरे चरण, 20 फरवरी को तीसरे, 23 फरवरी को चौथे चरण, 27 फरवरी को पांचवें, 3 मार्च को छठे और 10 मार्च को सातवें चरण का मतदान होगा। विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद जनपद संभल के जिलाधिकारी संजीव रंजन व पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र मीडिया से रूबरू हुए। जिले के दोनों आला अधिकारियों ने मीडिया को क्या बताया और राजनीतिक पार्टियों को इस बार क्या सावधानी बरतनी है, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। यह वीडियो आचार संहिता को देखते हुए है, बेहद जरूरी है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं जयदेव सिंह और आप देख रहे हैं पंचायत वार्ता। पत्रकार वार्ता में जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कहा कि जो राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं, वह इस बात का ध्यान रखें कि आचार संहिता का वह हर हाल में पालन करेंगे। धनबल और प्रलोभन को रोकने के लिए जनपद के बॉर्डर पर स्टैटिक टीम पुलिस बल के साथ लगातार चेकिंग अभियान चलाएगी। सभी उप निर्वाचन अधिकारियों, जो विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी बनाए गए हैं, उनके लिए भी कहा गया है कि वे अपने क्षेत्रों में आचार संहिता का पालन करने के लिए लगातार भ्रमण पर रहेंगे। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि इस बार अनुमति को लेकर ऑफलाइन कोई कार्य नहीं किया जाएगा। 15 जनवरी तक जनसभा करने को लेकर निर्वाचन आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया है। जनसभा की अनुमति निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए सुविधा पोर्टल पर दी जाएगी। प्रत्याशी को प्रचार करने के लिए अधिकतम 5 गाड़ियों की अनुमति का प्रावधान इस बार रखा गया है, वह भी इसके साथ, इस शर्त के साथ कि प्रत्येक गाड़ी में केवल 5 लोग ही प्रचार करेंगे। किसी प्रत्याशी या किसी राजनीतिक दल ने आचार संहिता का यदि उल्लंघन किया तो उसके आगे के सभी कार्यक्रमों की अनुमति जो उसने ले रखी होगी उसे निरस्त कर दिया जाएगा। इस बार प्रत्याशी व राजनीतिक दल रात्रि 8 बजे तक प्रचार कर पाएंगे। इसके बाद सुबह 8 बजे तक प्रचार पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध रहेगा। कलेक्ट्रेट पर 21 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जिसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी कवायद कर ली है। इस बार कुछ व्यवस्थाओं को बदला गया है। DM ने कृषि रक्षा इकाई से कक्षों से हटाकर व्यवस्था बदल दी है। जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में संभल विधानसभा चुनाव का नामांकन कार्य होगा। वहीं चंदौसी विधानसभा के लिए विकासखंड बैजोई में नामांकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। गुन्नौर विधानसभा की बात करें तो कलेक्ट्रेट सभागार के बराबर कक्ष में तथा असमोली विधानसभा के लिए DM कार्यालय के अभिलेख कक्ष में नामांकन का कार्य किया जाएगा। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही जनपद में अधिकारियों ने तैयारियों को तेज कर दिया है। परिवहन विभाग को वाहनों की व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधानसभा क्षेत्र संभल, चंदौसी, असमोली, गुन्नौर और बिलारी आंशिक में 1810 पोलिंग बूथ हैं। इन बूथों पर पोलिंग पार्टियों को पहुंचाने के लिए करीब 400 बसों की व्यवस्था होनी चाहिए, जबकि अधिकारियों के भ्रमण से लेकर अन्य गतिविधियों के लिए हल्के भारी करीब 600 वाहन और चाहिए। यह हम यूं कह दें कि संभल जिले में विधानसभा चुनाव कराने के लिए करीब 1000 वाहनों का अधिग्रहण किया जाना जरूरी है। जनपद में वाहनों की उपलब्धता और मांग को लेकर अधिकारियों ने मंथन शुरू कर दिया है। किस तरह के कितने वाहनों का अधिग्रहण किया जाना है उसको लेकर भी विचार विमर्श चल रहे हैं। वाहनों के अधिग्रहण के सिलसिले में ARTU कार्यालय में
एआरटीयू प्रवर्तन अमरीश कुमार और एसडीएम न्यायिक विनय कुमार मिश्रा ने मंथन किया है। जिले में कितने वाहन हैं और कितने वाहनों का अधिग्रहण इस चुनाव के लिए किया जाना है, इसे लेकर चर्चा हुई है। क्योंकि पिछले चुनाव में आसपास के जिलों से भी कुछ वाहन मंगाए गए थे, इसलिए इस महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर भी अधिकारियों ने मंथन किया। एआरटीयू प्रवर्तन ने बस यूनियन के पदाधिकारियों और बस संचालकों के साथ भी वाहनों के अधिग्रहण को लेकर बैठक की। अधिकारी निरंतर इस चुनाव को लेकर गंभीर बने हुए हैं, विभिन्न तरह की तैयारियां कर रहे हैं। तो ये था विधानसभा चुनावों के लिए संभल जनपद के अधिकारियों की तैयारियों का मंथन। इसके साथ ही आपने जाना चुनाव में उतरने वाली पार्टियों के लिए आचार संहिता से जुड़ी कुछ सावधानियों के बारे में। मैं आगे भी आपको देता रहूँगा आचार संहिता से संबंधी अपडेट्स। बने रहिए पंचायत वार्ता के साथ, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। जानकारी अच्छी लगी हो तो कीजिए लाइक शेयर। मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लागू कर दी गई और चुनाव की उद्घोषणा भी कर दी गई। संभल जनपद में चारों विधानसभा पर चुनाव जो है द्वितीय चरण में होंगे, जो कि जो पोलिंग डेट है वो 14 फरवरी होगा। और इस संबंध में कुछ खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश ये हैं कि कोई फिजिकल रैली पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा 15 जनवरी तक अलाउ नहीं किया जाएगा। कोई मीटिंग है नहीं अलाउ किया गया है 15 जनवरी तक। कोई रोड शो, पदयात्रा इत्यादि ये सब जो 15 जनवरी तक मना है, और उसके बाद आयोग इस चीज़ को डिसाइड करेगा कोविड को देखते हुए कि नया जो गाइडलाइंस है वो क्या होगा। कितने मतदान केंद्र बनाए गए, कितने बूथ बनाए गए? यहाँ कुल जो है 903 मतदान केंद्र है और 1810 बूथ है। 4 विधानसभा और 1 विधानसभा जो बिलारी है उसका आंशिक 66 बूथ है। अच्छा, जैसा कि जो रसद विभाग द्वारा खाद्यान्न बांटा जा रहा है उस पर जो फोटो छपे हुए बांटे जा रहे हैं, क्या वो बढ़ते रहेंगे या रोक लगेंगे? नहीं, जिन पर फोटो है वो फोटो सब हटाए जाएंगे। वो ऐसे फोटो कोई भी नहीं बांटे जाएंगे जिस पर थैले जिस पर फोटो है वो ऐसा नहीं बटेगा, और बाकी राशन जो है वो बढ़ते रहेंगे। कोरोना गाइडलाइन को लेकर क्या विशेष निर्देश? कोरोना गाइडलाइंस को लेकर विशेष यह है कि जितने भी मतदान कर्मी हैं वो डबली वैक्सीनेटेड रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है वो वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा। इसके अलावा रैलियों इत्यादि में जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस का पालन होगा। और जो रैली का आयोजन करेंगे उन रैलियों में वो जो नियम है उस नियम के हिसाब से फेस मास्क और सैनिटाइजर इत्यादि की व्यवस्था कराएंगे। अगर कहीं पर कोई चूक होती है तो उनको रैली का आयोजन करने से उनको आगे रोक दिया जाएगा।